नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट वर्क चैनल में आपको स्वागत है। तो आज जो आज टॉपिक में बात करने जाएंगे जेएनयू का एंट्रेंस के रिलेटेड, वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि सिलेबस आपको जेएनयू में कुछ दिया नहीं जाएगा वेबसाइट में, तो आप देख के कोई समझ नहीं पाया कहां से पढ़ना है क्या पढ़ना है। तो पहले वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताए थे कि क्या क्या पढ़ना चाहिए क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आज जो बात करने जाएंगे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर बात करने जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा लिया जाता है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो आपको पढ़ना चाहिए आज डिस्कस करेंगे। तो अभी तक मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जो दोस्त को ये वीडियो बहुत जरूरत है उसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्या क्या पढ़ना चाहिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पहले आपको जानना चाहिए बेसिक इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जैसे हो गया जितना टाइप के एट्रैक्शन है, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, नॉन कोवेलेंट एट्रैक्शन जितना भी होता है, जैसे कोवेलेंट एट्रैक्शन में होता है जितना भी बॉन्ड्स क्रिएट होता है, नॉन कोवेलेंट एट्रैक्शन का क्या क्या होता है, जैसे वैन डर वाल इंट्रैक्शन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉल्ट ब्रिज इंट्रैक्शन, जितना भी इंट्रैक्शन से ही आपको थोड़ा जानना चाहिए क्या क्या होता है। क्योंकि कभी कभी जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग में बोल देता है कि शायद डाइसल्फाइड बॉन्ड का रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या पढ़ना है कि आपको डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे जितना भी डीएनए का एक्सपेरिमेंट हुआ था, पहले क्या होता है डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल था वो पता नहीं था, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया गया है, वो सब आपको पढ़ना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया है, जितना भी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है ये सब आपको पढ़ना चाहिए, हर्शचेस एक्सपेरिमेंट हो गया, ये सब एक्सपेरिमेंट को पहले देखना चाहिए। उसके बाद आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म कॉमन रहता है। जैसे तीन तरह के टाइप का होता है डीएनए, ए डीएनए हो गया, जेड डीएनए, बी डीएनए, बी डीएनए कॉमन होता है, तो उसका प्रॉपर्टीज बहुत सारा रहता है, मेजर ग्रुप कितना रहता है, माइनर ग्रुप क्या रहता है, पिच कितना रहता है उसका, कितना एक टर्न में कितना न्यूक्लियोटाइड रहता है उसका, कितना लेंथ होता है एक न्यूक्लियोटाइड से, पूरा प्रॉपर्टी जितना भी है डीएनए का वो आपको पढ़ना चाहिए। डीएनए कितना स्टेबल है नहीं है, डीएनए का सिक्वेंसिंग कैसे किया जाता है, डीएनए का आइडेंटिफिकेशन प्योरिफिकेशन कैसे किया जाता है, आरएनए का भी सेम पढ़ना है, आरएनए अगर अनस्टेबल तो क्यों है, सिंगल स्टैंडर्ड है, फिर डीएनए का डबल हेलिक्स है तो क्यों डबल हेलिक्स है, ये सब आपको पढ़ना चाहिए। और अगर ये सब चीज पढ़ना है तो आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वाटसन का बुक है, वाटसन एक बुक होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको वहां से दिक्कत हो रहा है पढ़ने में तो आप पाथफाइंडर का बुक भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा पाथफाइंडर बुक से आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगा लेकिन आपको वो बेसिक नॉलेज नहीं मिलेगा जो वाटसन बुक आप दे पाएगा। तो बुक जरूर पढ़िएगा दोस्तों, कि वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वही चीज आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। तो डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद आपको जो पढ़ना है जितना भी सेंट्रल डॉगमा पाथवे है वो पढ़ना है। सेंट्रल डॉगमा मीन्स कौन सा पाथ बोल रहे हैं हम, जैसे हो गया डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए फॉर्म जो होता है डीएनए रेप्लिकेशन, और उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें जो पढ़ना है आपको कि जितना भी इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन स्टेप होता है वो पढ़ना होगा, वो स्टेप वाइज आपको देखना है कि कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है वहां पर, वो एंजाइम का काम क्या होता है, और कौन कौन को फैक्टर है उसकी जरूरत होता है, कितना सब यूनिट से बना होता है, उसका फंक्शन तो पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जैसे डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 प्रोकैरियोटिक में रहता है, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है मेजर होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो इतना मेजर नहीं होता, लेकिन उसका जो डीएनए रेप्लिकेशन में उसका भी काम होता है कि जितना भी मेंटेनिंग लैगिंग स्टैंड को मेंटेन करता है, लैगिंग सिंथेसाइज करता है पॉलीमरेज 1 डीएनए पॉलीमरेज। और यूकैरियोटिक में देखेगा तो वही चेंज हो जाएगा, अल्फा बीटा डेल्टा आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। उसके बाद अगर ट्रांसक्रिप्शन में भी सेम कॉम्प्लेक्स कैसे लोड हो रहा है, डीएनए डाटा बाइंडिंग प्रोटीन, डीएनए वीआरआई, एआरआई, एफआरआई, डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है, एच आ रहा है, ये आपको अच्छा से पढ़ना है। उसके बाद अगर ट्रांसक्रिप्शन अच्छा से पढ़ना है क्या, जैसे आप यूकैरियोटिक में देखिएगा 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज रहता है, वो आरएनए पॉलीमरेज कौन सा आरएनए को सिंथेसाइज करता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जगह आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है, एमआरएनए को सिंथेसाइज करता है, आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 जैसे टीआरएनए को सिंथेसाइज करता है, वो आरआरएनए को सिंथेसाइज करता है आरएनए पॉलीमरेज 1। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या कौन सा आरएनए को सिंथेसाइज करता है, तो ये सब क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। इसलिए आपको सब एंजाइम का नाम उसका फंक्शन आपको याद रखना है, कौन सा स्टेप में यूज होता है, आपको ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। ये गलती करता है ज्यादातर बच्चे, क्या करता है कि पहले पढ़ते आप सोचते हैं कि पीएचडी कर लेंगे डीएनए रेप्लिकेशन में बैठ के, तो ऐसे थोड़ी ना होता भैया, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना है, उसका प्रोटीन देखना है, उसका काम क्या है, बस देख लीजिए स्टेप वाइज, क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, जेएनयू में आके जितना पढ़ना है पढ़ लीजिएगा ना, टाइम बर्बाद नहीं करना है वहां पर बैठ के। आपको अगर पढ़ना है, आपको दिक्कत नहीं हो रहा जल्दी पढ़ लेते हैं तो अलग बात है, और नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा स्मार्ट वे में पढ़ना है आपको, समझ पा रहे हैं। उसके बाद आता है कि म्यूटेशन, म्यूटेशन का भी बहुत सारे टाइप्स होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है,
फिर उसके बाद देखना है कितना भी जितना भी एजेंट है, म्यूटेटिंग एजेंट जितना भी होता है, केमिकल होता है, फिजिकल होता है, तो केमिकल में आ जाता है, बहुत सारे केमिकल्स आता है, वो केमिकल्स क्या करते हैं, इंटरकलेटिंग एजेंट भी होता है कि डीएनए के अंदर आ जाता है, डीएनए को थोड़ा वाइड कर देता है, तो क्या होता है वाइड जब हो जाता है तो डिफरेंट प्रोटीन बाइंड नहीं कर पाता, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, तो दिक्कत हो जाता है। मेजर माइनर ग्रुप में थोड़ा भी चेंजेस होता है ना, प्रोटीन का एफिनिटी चेंज हो जाता है, प्रोटीन का एफिनिटी चेंज हो जाता है तो प्रोटीन एक्सप्रेशन में चेंजेस आ जाएगा। सेम चीज आपको ट्रांसलेशन में भी करना है, ट्रांसलेशन में पढ़ना इनिशिएशन कैसे होता है, आरएनए कब आता है, स्मॉल राइबोसोम यूनिट में बाइंड करता है, फिर लार्ज यूनिट आता है बाइंड करता है, कितना एटीपी यूज होता है, कितना जीटीपी यूज होता है। एनर्जी कैलकुलेशन भी आपको पढ़ना है, क्या क्या फैक्टर आ रहा है, इनिशिएशन फैक्टर क्या है, इलोंगेशन फैक्टर क्या है, टर्मिनेशन कैसे हो रहा है, ये भी होता है ना, रो डिपेंडेंट रो इंडिपेंडेंट होता है, वो भी आपको याद रखना है जितना भी ट्रांसक्रिप्शन में होता है। तो आपको पूरा इतना डिटेल स्टडी नहीं करना है, लेकिन जो बेसिक स्टडी है वो आपको याद रखना है कि कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहा है पाथवे में, उसका फंक्शन क्या है, और पाथवे एक्चुअली कैसे चल रहा है, बस वही जानना है। आपको पीएचडी नहीं करना है, हर बात बता रहे हैं ये बार हम, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है और प्रिपरेशन नहीं अच्छा से होगा तो क्वेश्चन अटेंड कर नहीं पाइएगा। तो उससे अच्छा क्या होगा, थोड़ा बेसिक क्लियर कर लीजिए, जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आप बोलिएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, तो आपको पहले तो जितना भी 3 ईयर का क्वेश्चन मिल रहा है आपको वेबसाइट में, वहां से डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद कि अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप क्या कीजिएगा, पास फंडर का एक रेड कलर का बुक मिलता है एमसीक्यू का, वो खरीद लीजिए, वहां से प्रैक्टिस कीजिए, वहां पर आपको चैप्टर वाइज बुक मिल जाए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां से आप सॉल्व कीजिए। तो जितना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आपको जितना भी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाएगा, अरे क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगा तब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाइएगा, एक्यूरेसी के साथ कर पाइएगा, गलती कम होगा तो सिलेक्शन चांस बढ़ जाएगा। उसके बाद होता है कि म्यूटेशन तो पढ़ लिया, उसके बाद आता है कि आरएनए प्रोसेसिंग, वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया, आरएनए प्रोसेसिंग में क्या क्या पड़ता है, 5' कैपिंग पड़ता है, 3' पॉलीएडेनाइलेशन होता है, उसके बाद स्प्लाइसिंग होता है, क्या होता है कि एक जीन से मल्टीपल प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्योंकि स्प्लाइसिंग के थ्रू जो एक्सोन का फ्यूजन होता है ना, जैसे 3 एक्सोन है और उसका जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके कॉम्बिनेशन बनाता है, उसके बाद जो एमआरएनए सिंथेसिस होता है वो डिफरेंट प्रोटीन को कोड करता है एक पर्टिकुलर जीन से, समझ पा रहे है कि एक डीएनए सेगमेंट है वहां से 3 का आरएनए तो क्रिएट हुआ एक ही जीन से, और 3 का आरएनए 3 का प्रोटीन सिंथेसाइज किया, तो एक जीन से 3 का प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है। तो ये कैसे होता है कि ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होता है, वहां से उसके थ्रू होता है, तो स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक हो तो हो गया स्प्लाइसिंग पढ़ लीजिएगा अच्छा से, उसके बाद पॉलीएडेनाइलेशन कैसे हो रहा है, फिर 5' कैपिंग कैसे हो रहा है, वो प्रोसेसिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो आता है वो हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, वो क्या होता है, वो होता है कि दो तरह का होता है कि इंटरफेयर करता है, क्या करता है कि कोई भी एमआरएनए का सप्रेशन कर देता है। कैसे सप्रेशन करता है कि अगर कोई एमआरएनए निकल रहा है तो उसको क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा, बेस पेयरिंग हो गया तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा जितना भी डाइसर एंजाइम फेजम आएंगे, तो वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या होता है, तो वो आपको देखना है। ज्यादा डिटेल्स में कुछ नहीं पढ़ना है, आपको प्रोटीन पढ़ना है, कहाँ इन्वॉल्व होता है, उसका फंक्शन क्या है, बस यही पढ़ना है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और डिटेल्स एड नहीं होता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों, इसके बाद हम और डिटेल्स और वीडियो देंगे सेल बायोलॉजी में और रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो वीडियो फॉलो करते रहिए, और जिसको भी आपका वीडियो हेल्प हो रहा है उसको शेयर कीजिए, आप भी शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा इंसान को ये वीडियो मिल पाए, हेल्प हो जाए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अगर बेल नोटिफिकेशन प्रेस नहीं कीजिएगा तो आपके पास वीडियो करंट वीडियो एंड लेटेस्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आप समझ नहीं आएगा वीडियो अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।